थर्ड क्वेश्चन क्या है, सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन्स, ठीक है, इज 50 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 5 पर्सन्स इज 45 kg, वेयर इज द एवरेज वेट ऑफ द लास्ट 5 पर्सन्स इज 55 kg, देन द वेट ऑफ द फिफ्थ पर्सन विल बी, फोर ऑप्शन आर गिवन टू यू, टेल मी द आंसर फास्ट। ओके, तो इसमें ये बड़ा आसान सवाल है एवरेज का, यू शुड नो द फंडा। तो इसमें क्या है, वट इज गिवन इन दिस वन, इसमें साफ साफ आप लोगों को दिया है दैट द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50। तो एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन्स इज इक्वल टू 50 kg। खोल दो इसे, फॉर्मूला खोल दो, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम, सो इट विल गोइंग टू बी सम ऑफ वेट, WT लिख रहा हूँ शॉर्ट, सम ऑफ वेट ऑफ 9 पर्सन्स अपॉन 9, एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ, दिखाना नहीं चाहिए लेकिन दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इज इक्वल टू 50 kg। तो यहाँ से सम आ जाएगा, इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट द सम, सो सम ऑफ वेट ऑफ 9 पर्सन्स विल गोइंग टू बी 9 5 ज़ा, दिस विल बी 450 kg, ठीक है। तो इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर लेते हैं, बड़ा ज़रूरी हमारे बाद में काम आने वाला है, ठीक है। ओके ओके, इसको आप ABCD करके भी कर सकते हैं, 9 लोग हैं तो इसको आप ABCD करके भी लिख सकते हैं ऐसे, सम ऑफ जैसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एफ जी एच एंड आई थिंक सो ना, ABCDEFGHI, ठीक है, 9 लोग हैं इतने ही हैं, ठीक है। तो इन सब का जो सम है, अगर सम भी नहीं लिखूंगा तो चलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने वो जो 9 लोग हैं उनके नाम के असाइन कर दिए, ABCD है उनका नाम, सो इन सब का सम, ओके, इन सब का जो सम है दैट इज नथिंग बट 450। चलो अच्छी बात है, एक ही बात है, ठीक है बेटा। ओके, नाउ वट इज गिवन टू मी दैट द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 5 पर्सन इज 45, ठीक है। तो जो फर्स्ट 5 का एवरेज है, मैं फाइव, फर्स्ट 5 कौन हो जाएंगे, ए बी सी डी ई विल बी द फर्स्ट 5, उनका एवरेज आपको दिया है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कितना दिया है, 45, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से निकालते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 का मतलब हो जाएगा ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ओके, अपॉन 5 इज इक्वल टू 45। सो फ्रॉम हियर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, फर्स्ट 5 का जो सम आ जाएगा दैट विल गोइंग टू बी 5 5 25, कैरी 2, दिस विल गोइंग टू बी 225 kg। इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया, सम ऑफ फर्स्ट 5 आपके पास आ चुका है, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, अरे देर आर न्यूमरस मेथड्स यार, ठीक है। मैं इन डिटेल आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको एक चीज़ और दिया है, वेयर द एवरेज वेट ऑफ लास्ट 5, अगर आप लास्ट 5 लेंगे तो इट विल बी ई एफ जी एच आई, ठीक है, लास्ट 5, तो डायरेक्टली लिख लेता हूँ, लास्ट 5 का 55 है, सो ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई अपॉन 5 इज इक्वल टू 55। सो फ्रॉम हियर यू विल गोइंग टू गेट E प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई इज इक्वल टू 5 5 25, कैरी 2 एंड 5 275 kg। वाई एम टेकिंग ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि आपको निकालना है द वेट ऑफ द फिफ्थ पर्सन, आपको E निकालना है, फिफ्थ पर्सन इज E, तो इट्स वेरी इजी, ठीक है। अगर इफ दिस इज इक्वेशन 1, इफ दिस इज इक्वेशन 2, इफ यू विल ऐड बोथ द इक्वेशंस, ओके, इफ यू विल ऐड बोथ द इक्वेशंस व्हाट विल गोइंग टू हैपन, सी हियर, ठीक है, इफ यू डू 1 प्लस 2, तो ऐड करो, लेफ्ट साइड में आ जाएगा सारे नंबर्स को, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है, फिर दोबारा ई आएगा तो 2e हो जाएगा, मैं जो वो ई है ना उसको मैं लास्ट में लिखूंगा, सो ई, तो ई यहाँ पर भी है, एक ई यहाँ पर भी, एक ई यहाँ पर भी है, ठीक है, तो मैं ई अभी लास्ट में लिखूंगा, ई के बाद मैंने सीधा एफ लिखा, प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस अब ई लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि 2e हैं, ओके, और उस ई को मैं ब्लू से लिख लेता हूँ, ई इज इक्वल टू 225 प्लस 275। ऐसा मैंने क्यों किया,
क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन ए, तो 450 वैल्यू है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 450 प्लस ई विल गोइंग टू गिव यू, दिस विल बी हाउ मच, 5 5 10 कैरी वन, 7 8 9 10 कैरी वन, दिस विल बी 500। सो ई का वेट आ जाएगा 500 माइनस 450, तो ई का वेट आ जाएगा 50 kg। ओके, सो दिस विल बी द वेट ऑफ द फिफ्थ पर्सन, वेट ऑफ फिफ्थ पर्सन इज इक्वल टू 50 kg। सो सिंपल। ओके,